और एक भरपूर आवाज़ के मालिक मिस्टर ए के मिश्रा विद नॉलेज एंड वॉयस टुगेदर, वो भी आज हमारे मेहमान हैं। सर आओ, सबसे पहले दोनों का स्वागत करते हैं। ए के जी, पहले तो आपका स्वागत, आप हाउ आर थैंक यू यू? डॉक्टर साहब। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे दर्शक भी एकदम स्वस्थ होंगे। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। इस वक्त के जो हालात हैं मिश्रा जी, 403 सीटों में जितने भी मैं देखता हूँ, जितने भी मैं देखता हूँ बाकी के चैनल, कोई 10-12 चैनल मैं देखता हूँ और उनके सर्वे देखता हूँ, अखबारों के सर्वे देखता हूँ। मैं 6 अखबारें रोज़ हिंदुस्तान की पढ़ता हूँ, उसमें कोई भी सर्वे 20 और 25 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहा कांग्रेस को, बल्कि उल्टा ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है वो अखिलेश यादव को हराने में लगी हुई है। पर मेरी यहाँ पर थ्योरी अलग है। मैं समझता हूँ कि जितनी लेडीज़ की वोटें प्रियंका गांधी जी खींच के लेके जाएंगी, उतना नुकसान बीजेपी को होगा, अखिलेश यादव को नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बातें सही हैं। और जो सर्वे निकला है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मैं, चलिए पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ सारी पार्टियों के लीडरशिप जो इस वक्त चुनाव मैदान में है, सब अपने आप में बहुत योग्य है। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिकल अप्रोच नहीं लूंगा, उनके पास्ट में नहीं जाऊंगा, सब अपने आप में बहुत योग्य है। लेकिन जो ये इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि आपने रैली की और उसी पे रिजल्ट निकल गया। वो एक प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज स्टेप आपको क्रॉस करते हुए बहुत सारे, हर फेज में कई फेज से आपको गुजरना पड़ता है, और हर फेज में आपको परफॉर्मेंस एक्सेलेंस दिखाना पड़ता है। कब तक? जब तक कि वोटिंग ना हो जाए और वोट के रिजल्ट डिक्लेयर्ड ना हो जाए। कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए प्रचार के लिए प्रियंका गांधी, बहुत अच्छा उनका चेहरा है, नॉलेज है, 50% पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या 50% पॉपुलेशन को मायावती या अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं? वो भी मैदान में कूदेंगी, तो वो 50/3 कर दीजिए। इस हिसाब से भी एक सिंपल रेशियो। बीजेपी में भी एक से एक धुरंधर महिलाएं हैं जो लड़की हैं या औरत हैं लेकिन लड़ सकती हैं, ये बोला जा सकता है उनके यहाँ है। और एक औरत से ही कांग्रेस ने अमेठी की सीट जो है हारी थी। इसको क्रिटिकल वे में मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है, जो डिफरेंट फेजेस होते हैं इलेक्शन में, हर फेस को क्रॉस करना, उतनी व्यवस्था कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास जो ग्राउंड लेवल पे है, मैं आपको अपने गांव का बताता हूँ, अपने एरिया में बताता हूँ। मेरे बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो कांग्रेस को छोड़ के और किसी पार्टी का कहीं कोई नेता, आदमी या कार्यकर्ता नहीं मिलता था। आज सिचुएशन जस्ट अपोजिट है कि दूसरी पार्टियों के तो लोग मिल जाएंगे, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हर चीज, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं मिलेगा। कांग्रेस का नाम लेने वाले भी नहीं मिलेंगे। अगर कहीं कोई कांग्रेस का नेता है तो उसके साथ 4-5 लोग, 10 लोग खड़े रहते हैं। कांग्रेस जो एकदम सो गई कुंभकर्ण की नींद में, ये सोच के, अनुज जी ने अभी बोला कि पिछले 20-25 सालों में इन्होंने यूपी में कोई इलेक्शन नहीं जीता। नहीं जीता तो इसके लिए विपक्षियों का दोष नहीं है। आपकी जो पार्टी थी या जो भी हार गई, वो उनकी गलती थी, वो उस तरफ से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया, तो उसका खामियाजा अब यहाँ पे भुगतना पड़ता है कि आपकी जो ग्राउंड लेवल की नींव की ईंटें थी ना, वो नींव की ईंटों पे अब किसी और का अधिकार हो गया। भाई कार्यकर्ता, वोटर, ये सब तो वही होते हैं ना, वही खानदान है, वो दूसरी पार्टी में चले गए। अब उनको फिर से रिकलेक्ट करना, जोड़ना, उनके अंदर वो ऊर्जा भरना, पार्टी के लिए निष्ठा भरना, और फिर उनको जो है मोटिवेट करके जो है काम पे लगाना इलेक्शन जीतने के लिए, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। ये 2 महीने 4 महीने का प्रोसेस नहीं होता है। कांग्रेस एक आई कैचिंग पार्टी तो हो सकती है प्रियंका गांधी जी के कारण, एक जो है ध्यान आकर्षण के लिए तो हो सकती है, उनके भाषण अच्छे हैं, अच्छा बोल रही है, लेकिन अल्टीमेट विजय में परिणति हो, ये इस चीज में बहुत ज्यादा मुझे डाउट लगता है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि ये तो आपने अपने व्यूज़ दिए यूपी के बारे में, मैं ये देख रहा हूँ फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स, 57 से ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ मैं, कि जो इंटरनल फाइट है कांग्रेस की पार्टी में, इंटरनल फाइट जो ओपन में आ जाती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हर सूबे में। मुझे याद है जब 3 सूबे ये जीते, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर 3 सूबे जीतने के बावजूद भी, हैं जी, राजस्थान से एक सीट भी नहीं ये जीत सके,
यहाँ तक कि गहलोत साहब का बेटा खुद इलेक्शन हार गया, मध्य प्रदेश में एक सीट जीते, वो भी चीफ मिनिस्टर का लड़का था उस वक़्त, वो जीता जी। तो मेरा मतलब ये जब तक सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा, आप लोकल इलेक्शन तो जीत गए, स्टेट गवर्नमेंट आप जीत गए, लेकिन जब नेशनल लेवल के ऊपर मसला आता है तो लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता कांग्रेस की तरफ, क्यों नहीं जाता कांग्रेस के लीडर इस तरीके से क्यों नहीं काम करते कि वो नेशनल लेवल के ऊपर भी लोग उनको ये कहें कि नहीं भाई आपको 40 सीटें नहीं, हम आपको अगले जो इलेक्शन 2024 में आएगा उसमें 50-60 नहीं बल्कि 150-200 सीटें दिलवाएंगे ताकि आप दोबारा आपकी होंद हो सके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खुद कांग्रेस ने ही अपनी इमेज या अपने महत्व को डाइल्यूट किया है। डॉक्टर साहब देखिए, हर पार्टी में ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में अंदर जो है कलह होती है। आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, बसपा में भी कलह हुई थी तब मायावती, अब इवन बीजेपी में भी आप देखते रहते हैं कि पार्टी में कुछ मनमुटाव हो रहा है, और दुनिया के किसी भी पार्टी में होगा, हर छोटी से छोटी फैमिली में भी अंतर कलह होता है, सवाल होता है उसको मैनेज करने का। आप ये देखिए, इंदिरा गांधी भी तो कांग्रेस में कलह करके अलग करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और उन्होंने उसको मैनेज किया और प्रचंड वोटों से वो जीती। कांग्रेस ने अपने आप को डाइल्यूट कैसे किया? कांग्रेस का एक जो परसेप्शन था कि अगर नेशनल लेवल की कोई पार्टी है इंडिया में तो वो कांग्रेस है, ये परसेप्शन डेवलप था। धीरे धीरे ये श्रिंक करते गए, अपने एरिया को ये छोड़ते गए। अब ये हो सकता है कि भाई बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री खानदान उमदान ये रहने पे लोग आलसी या आराम तलब हो जाते हैं, उनको महत्व तो नहीं समझ में आया होगा। एक एक स्टेट ये छोड़ते गए, अच्छे से इन्होंने मोर्चेबंदी नहीं की, नई पार्टियां आती गई, फिर नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए इन्होंने अपना परसेप्शन क्या बदला, जो इनका ब्लंडर था कि इन्होंने बहुत सारे रीजनल पार्टियों का एलाइज बनाना शुरू कर दिया। 14-14, 15-15 पार्टियों का एलाइज बना करके, ये यूपीए वगैरह ये सारी चीजें बना करके, तो कांग्रेस ने तो अपने आप को ही छोटा करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया, लोगों का परसेप्शन ये हो गया कि कांग्रेस अकेले पैन इंडिया लेवल पे लड़ने में या मैनेज करने में सक्षम नहीं है बिना एलाइज के, बिना विपक्ष के एलाइज के। तो ये रीजन है कि कांग्रेस प्लस को देखा जाता है, बात जहां होगी पूरे विपक्ष की होगी। और भाजपा ने इसी गैप को फिलअप किया। मैं आपको बताता हूं भाजपा ने क्या किया, इस गैप को पहचाना जो वैक्यूम क्लियर हुआ था, और उन्होंने पैन इंडिया पे अपने आप को विस्तारित करके ये साबित करने की कोशिश की और साबित भी कर दिया कि भाई हम नेशनल लेवल पे अगर कोई पार्टी मैनेज कर सकती है देश को तो वो हम है। और एक बार चुनाव जीतने के बाद इन्होंने उसको मजबूती दी, हर जिले में इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया, अपना कार्यालय बना लिया, यानी कि पैन इंडिया लेवल पे जो मजबूती एक पार्टी को चाहिए हर तरीके से, फिजिकल, मेंटल, आइडियोलॉजिकल, वो सारी चीजें इन्होंने कर ली। भर्तियां शुरू करना और मिस कॉल दे करके भी मेंबर बनाना, उनकी ट्रेनिंग देना, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करना, चुनाव हो या ना हो लेकिन 5-5 साल इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी ट्रेनिंग का, कभी ये मिलन का, कभी वो मिलन का, एक्टिवेट करके रखते हैं। मुझे याद है कभी यही चीज आज के 30-35 साल 40 साल पहले जब हम एकदम बचपन में थे तो कांग्रेस में ये हलचल हमेशा दिखती थी, कुछ ना कुछ होता रहता था कांग्रेस में जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। तो ये खुद ही जो है सत्ता से च्युत होकर के 10 जनपद तक अपने घर तक लिमिटेड होते चले गए। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, उसके रीजन चाहे जो रहे हो, लेकिन अगर आप पब्लिक से दूर हट के लिमिटेड होते चले जाएंगे और बैसाखियां लेते चले जाएंगे तो आपका परसेप्शन डैमेज हो गया। अब उस किले को फिर से बनाना बहुत मेहनत, अब देखिए वैक्यूम कब क्रिएट होता है और या आप कब वैक्यूम क्रिएट कर पाते हैं, सिचुएशन दो है, उस क्रिएटेड वैक्यूम को कब आप फिलअप कर पाते हैं, ये दो चीजें हैं। मिश्रा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी में चेंजेस आती रहती हैं। डेमोक्रेसी में कभी भी एक पार्टी लगातार जो है वो इतने साल रूल नहीं करती। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंदु जी ने बात की कि हमारा, हमने स्ट्रक्चर बना दिया, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। ये तो गवर्नमेंटें, देखिए जो गवर्नमेंटें पहले आती हैं वो स्ट्रक्चर बनाती हैं, दूसरी गवर्नमेंटें उसमें स्ट्रक्चर को ऐड करती हैं और कुछ और काम करती हैं और लोगों के सामने पेश करती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि बीजेपी में अब एक बहुत अपने आप में ऐसा प्राउड आ गया है? अभी हमने देखा कि यूपी के इलेक्शंस में पहले योगी और मोदी जी के पोस्टर्स इकट्ठे होते थे, दोनों की फ़ोटोज़ होती थी। पिछले 10 दिन से योगी जी की फ़ोटो हटा दी गई, सिर्फ मोदी के नाम पे इलेक्शन। पंजाब में भी जो रैली
मोदी साहब करने जा रहे हैं, वो सिर्फ मोदी के नाम, मतलब सिर्फ एक इंसान के नाम पर ही आप इलेक्शन कितनी देर तक जीतोगे? अल्टीमेटली वो स्टेल स्टेल हो जाता है, वो फेस ही स्टेल हो जाता है, वो पर्सनैलिटी स्टेल हो जाती है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये पार्टी में भी जो थिंकिंग थी, जो प्रोसेस था, है वो सिर्फ अब एक आदमी के इर्द गिर्द ही उन्होंने शुरू कर दिया? साहब, आपके इस सवाल का जवाब मेरे मित्र अनुज जी ने अभी दिया था। आपको मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, आ रही। आपने ये जो बोला कि एक फेस, एक चेहरे की पहचान जो है फीकी पड़ जाती है, अनुज जी ने ही अभी इसका जवाब दिया कि प्रियंका जी की जो है, प्रियंका जी का चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता है। सवाल ये होता है कि आप ये देखिए, क्या अब्राहम लिंकन अगर आज जिंदा हो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाए तो क्या हार जाएंगे? नहीं हारेंगे, जीत जाएंगे। चेहरा होता है फेस की वैल्यू क्रिएट करने का। अगर कांग्रेस के लिए इंदिरा और नेहरू आज भी चेहरा है, तो मोदी का भी चेहरा हो सकता है आज बीजेपी वालों को लग रहा हो कि उनका चेहरा आज भी इफेक्टिव है, इसलिए, और या वो जीत के लिए इतने आश्वस्त हो कि अकेले हम इस चेहरे के भरोसे यूपी का चुनाव या पूरे देश का चुनाव लड़ लेंगे। एटलीस्ट जब तक वो हाथ नहीं जलाएंगे या हारेंगे नहीं और रिपीटेड वे में, तब तक तो वो यही मानते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, चेहरे जो है कई, अगर मतलब अनइफेक्टिव चेहरे होते हैं प्रॉपर वे में, उनको जो है अगर उनके काम अच्छे नहीं होते हैं तो उसके चेहरे के कोई महत्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी चेहरे ने बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहा हो पॉलिटिकल वे में हर तरीके से, और वो इस चीज को इनकैश कर रहा हो, बता रहा हो, जनता को कन्विंस कर रहा हो सकता है। आप ये देखिए, चेहरे तो हजारों साल तक चलते हैं। महात्मा गांधी का चेहरा आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था, आजादी के टाइम पे था। कांग्रेस के लिए नेहरू जी का चेहरा आज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। तो इस लॉजिक को मैं बाई नहीं करता हूँ। कब तक चलेगा ये देखना है। हो सकता है लगातार 3-4 साल, 5 साल, 3-4-5 बार वो प्रधानमंत्री रहे, कितने दिन तक रहे, और हर बार वो जीतते चले जाएं, तो ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी कि इनका चेहरा अभी तक जो है यूजफुल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, दूसरा जो है चेहरा कैसे लाया जाए, नया चेहरा कैसे तैयार किया जाए, ये सारी पार्टियों में होता है। राहुल गांधी को चेहरा बनाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को बनाया जा रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। ये चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या हो। मिश्रा जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपने महात्मा गांधी जी का नाम लिया और फिर मैं अनुज जी के पास आता हूँ। आजकल महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली हुई है साधु संत ग्रुप में से, यहाँ तक कि उनको एंटी नेशनल भी कहा जा रहा है, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि इनकी सब मूर्तियाँ, इनके सारे जितने भी जो कुछ हैं, हटा दिया जाए। दूसरी तरफ मोदी जी, जिनके विचारों वाले वो लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं, अभी उन्होंने किए जी, दो दो जलसे किए, दोनों जलसों में बहुत खतरनाक बयान उन्होंने दिए, क्या वजह है कि इनमें हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर कोई एक्शन ले सके? मोदी जी तो बड़े गुणगान करते हैं महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी ने ये कमाल कर दिया, गांधी जी ने ये कर दिया, और उन्हीं के जो समर्थक हैं हैं जी, वो इस किस्म के नारे लगाते हैं, भाई गौडसे का मंत्र बना दो, गौडसे को पूज लो, और महात्मा गांधी जो था वह एंटी नेशनल था, इसको इसका सारे जितने स्मारक हैं उनको ख़त्म कर दो। आप शायद धर्म संसद की बात कर रहे हैं। धर्म संसद बीजेपी का कोई अंग नहीं है, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। अंग उस नहीं होता आंदोलन का आप, मिश्रा जी, अंग नहीं होता, पर सिंपथी होती है। क्या होती है? सिंपथी, वो सिंपथाइजर्स हैं। नहीं, देखिए सिंपथाइजर, अब इस तरीके से आप देखेंगे तो सारे सनातन वाले मोदी और बीजेपी के, क्योंकि कनेक्शन सनातन का निकल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी मोदी के विरोध, और मोदी के विरोध में तो ज्यादातर बोलने वाले हिंदू हैं। आप पत्र पत्र का पत्र उसमें देखिए ना, और वो भी सबसे ज्यादा तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बोला, वो तो ब्राह्मण है, हिंदू है, हमें पता है, हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो नहीं है, देखिए उसको, वो बीजेपी के किसी भी सम्मेलन में या बीजेपी या आरएसएस की आइडियोलॉजी या उनसे वो गवर्न नहीं होते हैं। हमें जबरदस्ती उनको सिंपथाइजर नहीं बोलना चाहिए, वो बीजेपी के सिंपथाइजर है। रही बात क्रिटिक्स, तो हर आदमी का होना चाहिए और हुआ है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई आदमी महान नहीं बना है जो जिसने क्रिटिक्स को ना झेला हो, चाहे प्रेजेंट टाइम में
चाहे पास टाइम में झेला हो। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा विरोध और क्रिटिक्स तो अंग्रेजों ने ही किया था, फिर उन्होंने लोहा माना। राम का भी हुआ, कृष्ण का भी हुआ। मैं बोलता हूं कि अगर कोई क्रिटिक्स कर रहा है तो उसके लिए क्या दिक्कत है, ठीक है, आप बैठ करके उनसे बात करिए। रही बात एक्शन होने की, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार एक राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो है एक्शन भी उन्होंने उस पर लिया हुआ है। अब ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, विपक्ष क्यों डरी हुई है? अब हो सकता है इनकी सरकार अगर कांग्रेस की रही होती या किसी और की रही होती जो ये सवाल उठा रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से लेते, लेकिन चीजें तो यहाँ पे संविधान के हिसाब से चलती हैं। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे राम को और कृष्ण को भी बहुत बुरे शब्द बोले गए हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, तो मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देने से, बशर्ते जो है मैं समझता हूँ कि ऐसी कार्य संविधान ने सबको दिया है क्रिटिक्स करने के लिए, आप क्रिटिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई मैं बुराई नहीं मानता हूँ। वो लॉजिकल होना चाहिए, एक पक्ष उससे सहमत हो सकता है, एक नहीं सहमत हो सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मिश्रा जी, ये जो महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये यूथ को क्या आने वाले टाइम में सड़कों पर लेके आ सकती है? डॉक्टर साहब देखिए, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में है तो डेफिनेटली एक न एक टाइम के बाद यूथ या जिनको काम चाहिए होता है, रोजगार चाहिए होता है, वो अपनी डिमांड को जो है डेफिनेटली किसी न किसी वे में रखेंगे। अभी अगर नहीं रख रहे हैं तो वो क्यों नहीं रख रहे हैं, उसके डिस्ट्रैक्शन के कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनको इतना फेथ हो कि इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से रिकवर करेगी, हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन सब चीजों के बढ़ने में गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा रोल ना रहा हो, उसके लिए कुछ और फैक्टर हैं वो जिम्मेदार रहेंगे। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी, मैं आपको बता दूं, देखिए नॉर्मली इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है अगर 20-25 साल का डाटा उठा के देखें तो 5.6-5.5% के आसपास होता है। लास्ट 2020 में 7.11% के आसपास गया था, तो उस पर तहलका मच गया। तहलका इसलिए मच गया कि यहाँ की मीडिया भी जो है ना, बहुत मतलब मैं निगेटिव वे में देख, उन्होंने ऐसा एक्सेजरेट करके लिखा कि तीनों काल में, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जो होते हैं, ये पहली बार घटना हुई, इतनी बड़ी घटना कभी हुई नहीं। अब ऐसी इंडिया की इकोनॉमी हो गई है कि भैया अब दोबारा वो रिकवर होगी ही नहीं। मैं हिस्टोरिकल बातें बताता हूँ, उसी टाइम जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 7.11% था, -24% तक गया है। आप कनाडा, यूएसए में रहते हैं, 2008 2009 का फिगर उठा के देख लीजिएगा डॉक्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, जबकि कनाडा में तो पॉपुलेशन केवल 3 करोड़ की है, 3 या 4 करोड़ की, और यूएसए में 35 करोड़ की है, मिश्रा और जी, रिसोर्सेज इंडिया, तो आप ये डाटा देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, इकोनॉमिक फेजेस होते हैं, कई बार बहुत निगेटिव चला जाता है। मैं बताता हूं, आजादी के बाद से भी जीडीपी -5% गई है सर यहाँ पे इंडिया में, जबकि उस वक्त कोई कोरोना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इकोनॉमिक फेजेस होते हैं, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, कभी किसी रीजन से बहुत जो है डी ग्रोथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम उससे ओवरकम नहीं हो पाएंगे और हम इतने निराश हो जाए कि इस तरीके से एक्सेगरेट करके हीन भावना सब लोगों में भरना शुरू कर दें कि भैया ये तो तबाही हो गई। इसकी बजाय ये बोला जाए कि हम रिकवर कैसे करेंगे, तरीके क्या हो सकते हैं और कितनी तेजी से रिकवर करें। जी डॉक्टर साहब, मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके सारे परिवार को और हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार फिर हम आना वाले जो वर्ष है जी, कल कल शुरू हो जाना 2022 है, हिंदुस्तान और दुनिया जो है वो बीमारियों से दूर रहे, हर एक का जीवन जो है वो अच्छा बीते, धन दौलत कहते हैं ना हमारे यहाँ, तो हर बात धन दौलत से होती है, धन दौलत सब सबको मिले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसानियत जो है वो 2022 में ज़्यादा बढ़े, तब ज़्यादा खुशी वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट,